हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे गेट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H12O2, इट शोड अ स्ट्रॉन्ग आईआर बैंड एट 1720 सेंटीमीटर इनवर्स, अ पीक एट m/z 122 इन द मास स्पेक्ट्रम, और हमें 1H NMR के सिग्नल्स गिवन है कि हमें 8.1 पे 8.1 टू 8.0 एक सिग्नल मिल रहा है जो दो हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग है और मल्टीप्लेट सिग्नल है। इस तरह से हमें सारे सिग्नल्स गिवन है और हमें स्ट्रक्चर पूछी गई है कंपाउंड की। गेट 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। सबसे पहले अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो वो है C10H12O2। तो यहाँ से हमारा जो पहला काम होता है जिससे हम कुछ ऑप्शंस को रूल आउट कर सकते हैं, वो है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम निकालते किस तरह से हैं कि हम सबसे पहले इसके कोरस्पॉन्डिंग एल्केन पता करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 10 कार्बन है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन होगा C10H22, क्योंकि जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये तब हाइड्रोजन है जब हमारे पास कंप्लीट सेचुरेशन होती, और यहाँ पे हमारे पास इस अनसेचुरेटेड में 12 हाइड्रोजन है डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास आएगा 5। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 5 का मतलब है, देखो अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 होती है, इसका मतलब होता है हमारे पास या तो एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग है। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 है तो या तो हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास दो रिंग्स हैं, या फिर हमारे पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकती है, या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के हम जो है उसको देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 5 का क्या मतलब है। अगर मैं पहले ऑप्शन में देखूं तो यहाँ पे तीन तो डबल बॉन्ड्स हैं, तो यानी कि 3 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, एक रिंग है तो 4, और यहाँ पे कार्बोनिल जो होता है वो सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग 5। तो हर एक ऑप्शन में देखोगे तो 5 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मिलेगा। यहाँ पे भी 3 डबल बॉन्ड्स एक रिंग मीन्स 4 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, और इसका 1 क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो 5। यहाँ पे भी 4+1 5, और यहाँ पे भी 4+1 5, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तो सभी में ही जो है वो सेम है। तो हम इसके बेस पे हम यहाँ पे नहीं पता कर सकते, या हम यहाँ पे कोई ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर पाए, बट नॉर्मली हम कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस होते। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें एक आईआर बैंड गिवन है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ठीक है, तो ये 1720। और अगर ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे एस्टर है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे एस्टर है, और यहाँ पे कार्बोनिल है, कीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1720 सेंटीमीटर इनवर्स की बात करूँ तो दिस कोरिस्पॉन्ड्स टू अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर। जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर्स होते हैं वो सिग्नल देते हैं 1715 टू 1730 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में, ठीक है, और ये इस रेंज में फॉल करता है, मतलब हमारा जो एस्टर है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड होगा, जो कि इस केस में है डबल सिंगल डबल, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है। यहाँ देखोगे तो पहली बात तो एस्टर ही नहीं है तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो एस्टर तो है बट ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड नहीं है तो ये गलत है, यहाँ पे एस्टर ही नहीं है तो ये गलत है, यानी कि हम आईआर के ही बेसिस पे सिर्फ हम अपना ऑप्शन बी मार्क कर सकते थे, राइट। अगर मैं एनएमआर सिग्नल्स की भी बात करूं तो देखो हमें किस तरह से सिग्नल्स गिवन है। हमारे पास डेल्टा वैल्यू 8.1 टू 8.0, यानी कि 7 टू 8.5 की रेंज में हमारे पास 3 एनएमआर सिग्नल्स गिवन है, ठीक है। एक तो है दो हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग, एक है एक हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग, एक है दो हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब है कि जो हमारी हमारे पास बेंजीन रिंग है और वो जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ये तीनों टाइप के हाइड्रोजन सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि ये जो केस है वो मोनो सब्स्टिट्यूशन का केस है। तो उसके बेस पे भी हम डी को और ए को तो जो है वो रूल आउट कर सकते थे, ठीक है। अगर किसी को एनएमआर की वैल्यू, आईआर की वैल्यू नहीं पता थी कि कोरस्पॉन्डिंग टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो वो इस बेस पे दो ऑप्शंस को तो जो है वो खत्म कर सकता था। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे कि ये जो है एक सिग्नल मुझे मिल रहा है 4.3 पे, जो कि ट्रिपलेट है और दो हाइड्रोजन की वजह से है, 4.3 पे मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा, ठीक है, और दो हाइड्रोजन की वजह से, यानी कि वो CH2 होगा, और ट्रिपलेट है मतलब उसका जो नेबर होंगे वो दो होंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये जो है वो 4.3 पे देगा। उसके बाद 1.8 पे हमें दो हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग सेक्सटेट मिल रहा है, सेक्सटेट मतलब उसके पास जो है वो पांच नेबर्स होंगे, ठीक है। अगर सेक्सटेट की बात करूं 1.8 पे, तो हमारे पास पांच जो है वो नेबर्स होंगे, राइट। तो अगर मैं नेक्स्ट पे चलूं तो ये 1 जो है डेल्टा वैल्यू पे 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट दे रहे हैं, यानी कि दो नेबर्स, तो इस तरह से हमारे पास ना ये वाला सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये ऑक्सीजन के साथ वाला 4.3,
ठीक है, और 4.3 वाला दो हाइड्रोजन की वजह से ये देगा ट्रिपलेट, क्योंकि इसके पास दो नेबर्स हैं। उसके बाद अगर देखोगे ये वाला नेक्स्ट वन, ये देगा 1.8 पे, क्योंकि दो हाइड्रोजन की वजह से वो सेक्सेट देगा, क्योंकि इसके पास पांच जो है वो नेबर्स हैं। और अगला है हमें वन डेल्टा वैल्यू पे मिल रहा है, तीन हाइड्रोजन की वजह से ट्रिपलेट, यानी कि इसके पास दो नेबर्स है। तो ये वाला सेगमेंट किस में है? ये वाला सेगमेंट बी ऑप्शन में है, CH2 CH2 CH3, ओ CH2 CH2 CH3, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा कोई भी सेगमेंट किसी और ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है। सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना, इसी तरह से हमें अप्रोच करना है। अगर मैं इसको इन शॉर्ट और इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, तो सबसे पहला काम है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें आईआर डेटा को बहुत ध्यान से देखना है कि किस फंक्शनल ग्रुप के कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है, किस फंक्शनल ग्रुप की कोरिस्पॉन्डिंग है। उसके बाद हमें जो है वो एनएमआर डेटा को बहुत ही केयरफुली देखना है, और हमें इस तरह से सेगमेंट्स बनाने हैं कि क्या वो सेगमेंट किसी ऑप्शन में गिवन है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें अप्रोच करना था। और यहाँ पे अगर देखोगे, तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, इनके कोरिस्पॉन्डिंग अगर सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो बेंजीन है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। इस तरह से जो ये वाले दो हाइड्रोजन्स हैं जो इसके क्लोज हैं, वो देंगे 8.1 to 8.0, क्योंकि जो कार्बोनिल होता है वो डेल्टा वैल्यू को बढ़ाता है, केमिकल शिफ्ट को बढ़ाता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ठीक है। और जो एक हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग है वो ये है 7.6 to 7.5, और जो दो हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग है वो है 7.5 to 7.3, ठीक है। ये वाला जो है 4.3, ये वाला 1.8, और ये वाला मिथाइल 1.0 पे। इस तरह से सारे जो सिग्नल्स हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हमें अप्रोच करना था, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम गेट 2020 स्टेट्स कि हमारे पास ना एक ये बाइसाइक्लिक टाइप ऑफ कंपाउंड गिवन है, हमने इसमें दो इक्विवेलेंस डाले अपने बेस के और दो इक्विवेलेंस डाले मिथाइल आयोडाइड के, तो हमें एक प्रोडक्ट मिला पी। हमें बताना है कि नंबर ऑफ पीक्स एग्जिबिटेड बाय द मेजर प्रोडक्ट पी इन इट्स ब्रॉडबैंड प्रोटोन डी कपल्ड 13 से NMR स्पेक्ट्रम इज। तो इसमें अगर देखोगे, तो अगर हमने दो इक्विवेलेंस स्ट्रॉन्ग बेस के डाले, तो हमें सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि एसिडिक प्रोटोन कौन सा है। देखो कार्बोनिल गिवन है, इसका अल्फा वाला एसिडिक होगा, तो इसके दो अल्फा हैं, इस अल्फा पे तो कोई प्रोटोन ही नहीं है, क्योंकि सारे ही जो है वो ये वाला जो अल्फा है ये सारे ही जो है वो बॉन्ड्स बना रहे हैं। इस अल्फा पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बेस आएगा, बेस यहाँ से दोनों से हाइड्रोजन लेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो मिथाइल आयोडाइड पे अटैक करेगा, और यहाँ पे मिथाइलेशन होगी। तो हमारे पास देखो रिजल्टिंग जो कंपाउंड मिलेगा, रिजल्टिंग जो बाइसाइक्लिक सिस्टम मिलेगा, वो इस तरह से होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाले जो दो हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल अटैच है, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन थे उनको ले लिया इस मिथाइल, ठीक है, उसको बेस ने ले लिया। इस तरह से हमारे पास जो है वो बाइसाइक्लिक कंपाउंड मिला। अब हमें बताना है कि इसमें कितने 13 से NMR सिग्नल्स हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लेन हम यहाँ से पास कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस मिथाइल को मैं इस तरह से शो करती हूँ, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो प्लेन हम इस तरह से पास कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे तो देखना मुश्किल है, बट इस तरह से प्लेन पास करेगा कि ये आपस में जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, ये और ये आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये अगर इस प्लेन को ना इस यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हो, इस प्लेन को हम इस सिस्टम में समझते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है। हमने इस तरह से प्लेन पास किया, इस तरह से कि इन दोनों मिथाइल्स ने जो है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट किया, और ये दोनों कार्बन्स ने एक दूसरे को रिफ्लेक्ट किया, और ये कार्बोनिल जो था ये प्लेन में ही आ गया, क्योंकि ये प्लेन में ही है, ठीक है। और इसी तरह से ये मिथाइल भी जो है वो प्लेन में आ गया। तो हमारे पास टोटल कितने NMR सिग्नल्स मिलेंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एक, क्योंकि आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये कार्बन है सेकेंड, ये कार्बन है थर्ड, यहाँ पे कार्बन है फोर्थ, यहाँ पे ये दोनों फिफ्थ, ये वाला और ये वाला सिक्स, ये वाला सेवेंथ और ये वाला एट्थ। तो हमारे पास टोटल 8 सिग्नल्स मिलेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू 13 सी NMR स्पेक्ट्रम, ठीक है। बस यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए था कि हम किस तरह से इमेजिन करना है प्लेन को। तो यहाँ पे जब दो मिथाइल, पहली बात तो मिथाइलेशन करनी है इस पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे, उसके बाद इस तरह से प्लेन पास कर देना, ठीक है, कि ये जो है वो आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करे, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की जा सकती है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज 8, एंड या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2018 स्टेट्स द एलिमिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज. तो ये जो क्वेश्चन है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो अब हम इसको ध्यान से देखते हैं. हमारे पास गिवन है RH, ठीक है. यहाँ पे हमें गिवन है I, इसको नॉर्मल बॉन्ड से ही हम दिखाते हैं, रोडियम I CO, आयोडीन CO I CH3, और यहाँ पे है हमारे पास नेगेटिव चार्ज सब. और हमने इसमें ऐड कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड 35 बार प्रेशर पे और 453 केल्विन टेम्परेचर पे. तो देखो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूँ तो रोडियम जो है वो कोबाल्ट फैमिली को बिलोंग करता है, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम. तो इसके पास टोटल इसके जो कॉन्फिग्रेशन होते हैं वो थे D7S2. तो रोडियम के पास जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन्स है. आयोडीन, ये वाला आयोडीन, ये वाला आयोडीन, ये जो है वो जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, सो 1 × 3. हमारे पास दो कार्बोनल्स हैं, हर एक कार्बोनल जो है वो न्यूट्रल है, तो वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा. यहाँ पे जो है आई नेगेटिव है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा. यहाँ पे CH3 एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारे पास एक आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, 9 + 3, राइट, 9 + 3 + 4 + 1 + 1, दिस एड्स अप टू 18. नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने इसमें CO डाला, हमने एडिशन की. तो हमें एडिशन के लिए सबसे पहले तो रूम बनाना पड़ेगा, कि यहाँ पे जो है स्पेस बनानी पड़ेगी. तो हमें इसे कन्वर्ट करना है 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस पे. तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे CH3 की माइग्रेटरी, CH3 जो है वो माइग्रेटरी इंसर्शन करेगा इस CO में, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन. तो माइग्रेटरी इंसर्शन से ना जो हमारे पास एक एक स्पेस है वो फ्री बच जाएगी. यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे सीओ सीओ, और यहाँ पे एक सीओ जो है, ये जो CH3 वो एक सीओ में माइग्रेट करके चला गया. तो यहाँ पे हमें मिला CO CH3 और नेगेटिव चार्ज एज सच. अब ये जो सिस्टम है, अब अगर इसको काउंट करोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो रोडियम तो अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन्स है, अगेन कोबाल्ट फैमिली. तो यहाँ पे 3 आयोडीन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, दो कार्बोनल्स हैं, हर एक 1 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 4, नेगेटिव चार्ज की वजह से 1, और ये जो पूरा ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. टोटल यहाँ पे हमारे पास 9 + 3 12 + 4, राइट. यहाँ पे हमारे पास 9 + 3 12, 12 + 4 16 17 18. 1 सेकेंड, यहाँ से एक सीओ हमने, यहाँ से एक सीओ को तो हमने माइग्रेट करा के भेज दिया, ठीक है. तो यहाँ पे एक एक स्पेस फ्री आएगी, तो वो एक स्पेस हमने, एक स्पेस यहाँ पे फ्री आएगी, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा आयोडीन, और यहाँ पे एक स्पेस जो है वो वेकेंट है. उसके बाद जो कार्बोनिल आएगा वो इस वेकेंट स्पेस पे जाएगा. अब ये जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस है. अब यहाँ पे सीओ आएगा, उसका जो है वो एडिशन हो जाएगा. तो मैं इसी स्टेप में दिखा रही हूँ, जो सीओ है वो आके यहाँ लग गया, ठीक है. अब ये फिर से क्या बन गया, 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस बन गई. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो हमें कराना है रिडक्टिव एलिमिनेशन. रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसी होती है, ये हमेशा सिस होती है, ठीक है, सिस रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है. तो इस तरह से हमारे पास जो है सिस पोजीशन पे आयोडीन ही अटैच्ड है. तो यहाँ पे हमारे पास आके CO CH3 I इस तरह से लग जाएगा. तो ये हमारे पास जो है वो लिविंग प्रोडक्ट या एलिमिनेशन प्रोडक्ट है. तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा CH3 CO I, विच इज सी, ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या करना था, सबसे पहले जो भी स्पेसिस गिवन थे उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने में वो आए 18 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद हमें एक को ऐड करने से पहले उसके लिए स्पेस बनानी थी, तो हमने माइग्रेटरी इंसर्शन की. माइग्रेटरी इंसर्शन किसकी, कि CH3 जो है वो कहाँ माइग्रेट होकर चला गया, सीओ में. तो हमारे पास एक सीओ कम हो गया ना, एक यहाँ पे हमारे पास एक पोजिशन वेकेंट होगी, तो वहां पे जो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड की थी वो वहां आके अटैच होगी. उसके बाद टेम्परेचर गिवन था, एलिमिनेशन करनी थी, और एलिमिनेशन कैसी करनी थी, सिस एलिमिनेशन करनी थी. तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिला, CO CH3 I, ठीक है. तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट है, गेट 2018 का क्वेश्चन था. दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन स्टेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ N2 ऑन TiO2 वाज कैरीड आउट एट 75 केल्विन. अ प्लॉट ऑफ z अपॉन 1 माइनस z v वर्सेस z. z जो है वो p अपॉन p नॉट है. इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद विद एन इंटरसेप्ट 4 × 10⁻⁶ मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब. और हमें स्लोप गिवन है 1 × 10⁻³ पर मिलीमीटर क्यूब. द वॉल्यूम राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर कोरिस्पॉन्डिंग टू मोनोलेयर कवरेज. तो क्वेश्चन जो है अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज फ्रॉम BET थ्योरी, सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है, BET थ्योरी से क्वेश्चन है. कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो p p नॉट ये सारे टर्म्स इंक्लूडेड है, v मोनो, हमें v मोनो निकालना है.
ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम गैस को एब्जॉर्ब करा रहे हैं सॉलिड पे, तो यानी कि ये जो है वो बीईटी थ्योरी से क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन क्या मिलती है बीईटी थ्योरी से, इट स्टेट्स कि हमारे पास पी अपॉन पी नॉट माइनस पी टाइम्स वी टी इज इक्वल्स टू 1/V मोनो सी प्लस सी माइनस 1/V मोनो सी पी अपॉन पी नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन है कहाँ से, बीईटी थ्योरी से। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे ये है वाई, ये है एम एक्स प्लस सी, सी जो है वो इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने जेड को लिखा है पी बाय पी नॉट, तो अगर इसको पुट करोगे जेड को अगर रखोगे पी बाय पी नॉट और इसको निकालोगे पी बाय पी नॉट और यहाँ पे 1 माइनस पी बाय पी नॉट टाइम्स वी, तो ये हमें क्या देगा पी अपॉन पी नॉट माइनस पी, पी अपॉन पी नॉट माइनस पी, ठीक है। और यहाँ पे है वी, ये हमें क्या गिवन है, ये हमें वाई एक्सिस गिवन है, वाई गिवन है, ठीक है। यहाँ पे बीईटी थ्योरी में भी ये वाई ही होता है। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि जेड जो है इसका प्लॉट हमने वाई वर्सेस एक्स का प्लॉट है, एक्स जो है वो क्या है पी बाय पी नॉट, हमारे पास ग्राफ है विच इज पी अपॉन पी नॉट माइनस पी टाइम्स वी टी वर्सेस पी अपॉन पी नॉट। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमें स्ट्रीट लाइन ग्राफ मिलेगा जिसकी स्लोप हमारे पास क्या है, ये है सी माइनस 1/V मोनो सी। वी मोनो जो है वो मोनो लेयर का वॉल्यूम है कि एक लेयर कितना वॉल्यूम कवर कर रही है, और ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ से 1/V मोनो सी, वी मोनो सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको अपने क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो इन्होंने यही तो गिवन, यही तो दिया हुआ है इन्होंने हमें कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, पी अपॉन पी नॉट को इन्होंने जेड कह दिया और ये इन्होंने बोल दिया जेड अपॉन 1 माइनस जेड वी। यहां से इन्होंने इंटरसेप्ट हमें दे दिया कि ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है क्वेश्चन में, तो इंटरसेप्ट हमारे ग्राफ हमारे इक्वेशन के हिसाब से इंटरसेप्ट क्या है 1/V मोनो सी। तो 1/V मोनो सी की वैल्यू इन्होंने हमें क्या दिया 4 × 10⁻⁶, ठीक है। और उसके बाद स्लोप की वैल्यू सी माइनस 1/V मोनो सी, स्लोप की वैल्यू इन्होंने दी है 1 × 10⁻³, ठीक है। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो किस तरह से हमें सॉल्व करना है, तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आएगी, देखो किस तरह से, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1/V मोनो सी, इसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁶, और सी माइनस 1/V मोनो सी की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻³। तो अगर मैं यहां से 1/V मोनो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, सी माइनस 1 will be equal to 1 × 10⁻³ upon 4 × 10⁻⁶। तो इसको सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 251, ठीक है। सी की वैल्यू आएगी 251, बट हमें क्या निकालना है वी मोनो, तो यहाँ पे जब सी की वैल्यू पुट करोगे तो वी मोनो की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 996। हमने तीन नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ कर दी, तो 996 जो है वो वॉल्यूम आएगा, दिस विल बी मिलीमीटर पर मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर क्यूब, mm³। सो ये हमारे पास आंसर आएगा, और इस तरह से हमें इस क्वेश्चन पे अप्रोच करना था। हमें सिर्फ और सिर्फ बीईटी थ्योरी पता होने, बीईटी की इक्वेशन पता होनी चाहिए थी जो क्या कहती है, विच स्टेट्स पी अपॉन पी नॉट माइनस पी वी टी इज इक्वल्स टू 1/V मोनो टाइम्स सी प्लस सी माइनस 1/V मोनो सी, ठीक है, पी बाय पी नॉट। अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करूं तो जो पी है वो प्रेशर है एट अ टेम्परेचर टी, ठीक है। जो पी नॉट है वो हमारा होता है सेचुरेशन प्रेशर, सेचुरेशन प्रेशर, और पी नॉट जो होता है वो पी से बड़ा ही होता है। सी जो है वो कांस्टेंट है, वी मोनो जो है वो वॉल्यूम है मोनो लेयर का। तो ये सारे टर्म्स थी, हमने सिर्फ इसको रिलेट किया, और ये वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, और यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बहुत नॉर्मली बन जाते हैं, तो सिर्फ हमें इस इक्वेशन को ध्यान रखना था। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप सबको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।